अरे हो गया। हे भगवान, इसका बुखार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ऐसी हालत में कैसे ले जाऊं साई के पास? बेटा राघव। जी पिताजी। एक काम करो, जल्दी से साई के पास जाओ और उनसे कहना कि छोटू का बुखार कम नहीं हो रहा। साई से विभूति मांग के ले आओ। मैं ऐसी हालत में इसे छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। जी पिताजी, मैं अभी लेके आता हूँ। जल्दी जाओ और हाँ, और जल्दी आना। सरकार, जिन लोगों ने सोना या तो पैसा नहीं दिया है, अंताजी पंताजी बस उन्हें लेके आते ही होंगे। चलो चलो। चंदू और उसके पिताजी को नहीं लाए? वो लोग नहीं मिले, उन्हें अगली बार ले आएंगे। बाकी सभी देनदारों को लेकर आए हम सरकार। अरे ओ, सब लोगों ने दिया, तुम लोगों ने नहीं दिया। क्या तुम लोग मेरे सगे संबंधी लगते हो? और यदि लगते भी तो भी देना पड़ता, क्योंकि नियम नियम है। मैं दे दूंगा, बस थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए। हाँ सरकार, पैसे के इंतजाम कर दूंगा, बस थोड़ा समय दे दीजिए आप। समय? एक तो सोना नहीं देते, ऊपर से सोने से भी अधिक मूल्यवान समय की भीख मांगते हो तुम लोग। मैंने जो कहा उसकी अवमानना कोई नहीं कर सकता। प्रेम, सबके नाम पे 3 तोला सोना चढ़ा दो। ऋण के रूप में मैं इन्हें धन दे रहा हूं। सबका खाता खोलो। चलो एक एक करके आओ और अंगूठा लगाओ बही पर। साई, मेरा छोटा भाई है ना साई, वो बहुत बीमार है। पिताजी ने कहा कि मैं आपसे विभूति मांग कर ले आऊं साई। शाम को आकर बताना कि उसकी तबीयत अब कैसी है। ठीक है साई। अब जाओ। चाचा, क्या अलग से निमंत्रण दूं तुम्हें? अंगूठा लगवाओ। मैं आपके पिता के उम्र का हूं सरकार, आपको देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी था, बेटियों की शादी और पत्नी की बीमारी में खत्म हो गया, और इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा सहारा भी नहीं है। किसी तरह से गुजर बसर हो रहा है। यह तो भगवान का शुक्र है कि लोगों के सामने हाथ फैलाए बिना एक जून की रोटी का जुगाड़ कर लेता हूँ सरकार। ये 3 तोला सोना मैं कहाँ से लाऊं? कर्ज ले भी लूं तो चुकाऊं कैसे सरकार? हरिओम हरिओम। बहुत दुख हुआ चाचा तुम्हारी ये राम कहानी सुनकर। दर्द हुआ दर्द तुम इस अवस्था में देख के। चाचा, मैं ढकेलना नहीं चाहता हूं तुम्हें ऐसी अवस्था में, लेकिन क्या करो तुम ही बताओ। अंग्रेज सरकार का आदेश जो है, और उसकी अवहेलना मैं नहीं कर सकता हूं चाचा। हरिओम,
मुझे क्षमा कर दे सरकार। हाँ, अगर आज मेरे ये पैर ठीक होते, ये पैर मेरा साथ देते, तो आज भी मैं गांव में घूम के काम मांग करके आने दो आने तो जरूर कमा लेता। हाँ हाँ, और कुछ न कुछ पैसे जुटा सकता था, लेकिन क्या करूं, मेरे पैरों में बहुत दर्द होता है, मैं ठीक से चल भी नहीं पाता हूँ सरकार। हरिओम हरिओम, क्या हुआ तुम्हारे पैरों में? क्या बताऊं सरकार, घर का छप्पर ठीक कर रहा था, ऊपर से गिर पड़ा, बुढ़ापे की हड्डी तो है ही है, दर्द कम ही नहीं हो रहा है। चाचा, तो उपचार के लिए क्यों नहीं आए तुम? लेप लगवा दिया होता तो अब तक दौड़ने लग चुके होते तुम। मेरे पास उपचार के पैसे नहीं है सरकार। हरिओम हरिओम, चाचा ये आवश्यक नहीं है कि हर उपचार में पैसे लगे, मैं तुम्हें लेप देता हूँ उसका कोई पैसा नहीं लूंगा मैं तुमसे। हरिओम। ऐसा क्या तो सरकार, ये लेप मुझे दे दीजिए ना। अरे ये क्या है, रुको मैं देता हूँ तुम्हें, लो लो लो। ले लो ले लो, लेप ले लो। मिल गया लेप से। चाचा जी इस गांव में रहना भी है और सरकार को धन भी नहीं देना है, मुफ्त में औषधि भी चाहिए। लेकिन चाचा जी मुफ्त में केवल परेशानी मिलती है। ए, चौप, एकदम चौप। कुलकर्णी सरकार का आदेश पत्थर पे खींची वो रेखा है जिसे कोई मिटा नहीं सकता। हरिओम। सोना देना पड़ेगा, चाहे वो अमीर हो या अपाहिज, सबको देना पड़ेगा। जा छिपरी, इन प्रश्नों का उत्तर ध्यान से देना, ठीक है? चिंता मत कीजिए अध्यापक जी, मैंने साई से वादा किया है, इस बार मेरा ध्यान नहीं भटकेगा। सुबह से इंतजार कर रहे हैं, पता नहीं बच्चे कहां रह गए। जिपरी, तुम परीक्षा दो, मैं अभी आता हूं। बेटा,
भिक्षा दे माई। माई भिक्षा दो। साई, प्रणाम। साई, दुख दर्द अधिक समय तक नहीं रहते। साई, उम्र हो गई है और वैसे भी यह बुढ़ापा अपने आप में ही एक भयंकर रोग है। इस उम्र में कितना भी इलाज करवा लो, छोड़ो का यह दर्द नहीं जाता है। ऊपर से कुलकर्णी सरकार के अत्याचार, मुझे पता है साईं कि जब तक अभी मेरी सांस चलेगी मुझे इस दर्द के साथ में ही जीना पड़ेगा। श्रद्धा और सबूरी रखो, ईश्वर सब कुछ ठीक कर सकता है। अच्छा, चलता हूँ साईं। साई मोरे बीच मझधार, तुम ही लगा दो साई मोरे पार। काम ले हाथ में साई मोरे पतवार, मोरे साई मोरे दाता तुम ही हो मोरे तारणहार, परम ज्ञान का। साई, जानबूझकर उस बूढ़े आदमी के पैरों के निशान पर अपने कदम रखकर क्यों चल रहे हैं? ज्ञान तिमिर से घिरा भयंकर, ज्योति शुभंकर साई राम। ओम साई, 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 अनेक भी तू। जन्मों के पर्वत लांघ के आया तेरे दर में साई रे, कृपा दृष्टि से मिट जाएंगे तेरे लख चौरासी रे। भव सागर तर दे, घन दुख के हर दे, तुम कृपा सिंधु दे अमृत बिंदु। अलख उजियारे ज्ञान तिमिर से घिरा भयंकर, ज्योति शुभंकर साई राम। ओम साई, 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 साई, मैं चल सकता हूँ। ऐसा लगता है जैसे शरीर के किसी भी हिस्से में कोई तकलीफ है ही नहीं। राम जी भला करें। तो शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। आज मैं पहली बार अपने आप को इतना चुस्त और दुरुस्त महसूस कर रहा हूँ साईं। भटकने वाले बच्चों में से नहीं है मेरा राघव। देखिए आज ना जाने कहाँ रह गया वो। और दिन होता तो कोई बात नहीं थी, छोटू की तबीयत बिगड़ रही है।
उसे भेजा था उड़ी लाने के लिए साई के पास, लेकिन अब तक नहीं आया वो। आप जरा यहाँ छोटू का ध्यान रखेंगे, मैं अभी द्वारका मई से आता हूँ। साई, साई, प्रणाम साई। राम जी भला करें। राघव आया था आपके पास उदी लेने? हाँ, और वो तो कब का उदी लेकर गया? गया? तो अभी तक घर क्यों नहीं पहुंचा? वो ऐसी लापरवाही तो कभी नहीं की। रुको। लेकर घर जाओ, इसे पानी में मिलाकर छोटू को देना। मैं राघव को ढूंढकर घर भेजता हूं। प्रणाम साई। राम जी भला करें। अरे आई कपड़े धोते धोते कहां चली गई? साई, साई, आपने मेरे विद्यार्थियों को कहीं देखा है क्या? आज उनकी परीक्षा है, पर झिपरी को छोड़कर कोई भी विद्यालय नहीं पहुंचा। नहीं श्यामा, पर बात कुछ अजीब है, क्योंकि गांव का एक और बच्चा अपने घर नहीं पहुंचा है। आओ। आहो, बहनी सब्जी लेने गई है, अब तक नहीं आई है, खाना कैसे बनेगा? मैं अभी जाकर देखता हूँ। अली, भीमा, बबलू, तुम लोगों की आज परीक्षा थी ना, और तुम लोग यहां खड़े हो। राघव, तुम तो अपने भाई को उदी देने गए थे ना? वो साई, मैं आप सब लोग तो बड़े हैं, समझदार हैं। ये छोटे बच्चे अगर इस यंत्र के लिए आकर्षित होते हैं, इनमें जिज्ञासा है, तो मैं इनकी बात समझ सकता हूं। लेकिन आप समझदार लोग अपने सारे काम धाम छोड़कर यहां? तुम अपने बैलों के लिए चारा लेने गए थे ना? तुम यहां खड़े होकर तमाशा देख रहे हो, और वहां तुम्हारे बेजुबान जानवर भूखे हैं? संगीता, तुम्हें होश भी है कि तुम्हारे घर में खाना नहीं बना है, क्योंकि तुम पानी लेकर अभी गई ही नहीं। तुम्हारी सब्जी बाजार में सूख रही है, और तुम यहां इन बच्चों के साथ खड़े होकर तमाशा देख रहे हो, और आप सब धरती पुत्र, हमारे किसान, ये सब अपने काम काज छोड़ के, अपनी खेती बाड़ी छोड़कर बच्चों के साथ बच्चे बने हुए हैं। लकड़ियां लेकर अपने घर जाने वाले थे ना, ताकि तुम्हारे घर चूल्हा जल सके, खाना बन सके तुम्हारे घर।
देखिए, मैं समझ सकता हूं कि इस नए यंत्र के लिए, इस नई वस्तु के लिए आपका आकर्षण स्वाभाविक है, क्योंकि ये इंसान की आदत है, उसकी फितरत है। समय के साथ विज्ञान ने बहुत तरक्की की है, हर दिन नए आविष्कार, नई वस्तुएं आ रही हैं। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपने कर्तव्यों को भुला दें। हर बदलते दिन के साथ नई वस्तुएं आ रही हैं हमारी जरूरतों के मुताबिक, पर इस सबसे कहीं ज्यादा जरूरी है आपका अपना काम, जो कि आपका इंतजार कर रहा है, राह देख रहा है आपकी। एक बात हमेशा याद रखना, आविष्कार सिर्फ एक साधन है मनुष्य को उसके लक्ष्य तक पहुंचाने का, उसके जीवन को सरल बनाने का। लेकिन जब कभी ये साधन हमारे लक्ष्य से अधिक महत्वपूर्ण होने लगे, तो ये समझ लेना चाहिए कि कमी साधन में नहीं, कमी हम में है। विज्ञान चाहे जितनी तरक्की कर ले, लेकिन उसका उपयोग है मनुष्य को मनुष्य के करीब लाने में। पर जब वस्तुएं ही हमारे बीच दीवार बनने लगे, तो फिर ये हमें निर्धारित करना होगा कि ये वस्तुएं हमें नियंत्रित करेंगी या हम इन वस्तुओं को। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.